अरे देव, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम टाइप के किरायेदार निकले। मौसमी और संतरा कजन बहने होती हैं। मतलब क्या हुआ गिर पड़े जी? अच्छा तो ये एक्स्ट्रा बहन कहाँ से आ गई तुम्हारी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी पांच बहनें हैं, बरोबर? फिर ये छठी बहन अचानक कुढ़ना ली। समंदर में नहाने से कोई नमकीन नहीं हो जाता ना? बालवीर, जल्दी किसी बहाने से इसे यहाँ से भेजो। शाम होने वाली है, हम कभी भी चमकने लगेंगी। शौर्य, बालवीर और परिया बड़ी मुसीबत में है। बालवीर के उत्तराधिकारी की जान पर खतरा है और सूरज अभी ढलने ही वाला है। परिया अभी किसी भी वक्त चमकने लगेंगी। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कोई समस्या नहीं होती बाल परी जिसका कोई समाधान ना हो। इस समस्या का भी है। ये है इस समस्या का समाधान। ठंड लग रही हो तो थोड़ा तापमान और बढ़ा दो। बालवीर का उत्तराधिकारी कहाँ है? कौन सी चाल चली तुमने बताओ? कुछ नहीं पता लगा पाओगे, कुछ भी नहीं। वैसे भी सूरज डूबने वाला है, तुम दबा के छुपने का समय आ गया तुम सबका। बालपरी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। बाहर सारी परियां बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ रही हैं, लेकिन अब शाम हो गई है, अब हम क्या करें? चिंता मत करो, शौर्य ने हमारी इसी मुसीबत का हल ढूंढ लिया है। ये तरण, ये क्या बाल परी, ये गंदे आदमी का बाल आपने तरल में क्यों डाला? क्योंकि इस तरल में तीनों लोग के कण मिले हुए हैं, सिवाय काल लोग के। और अब इसके बंदी होने की वजह से ये काम भी बड़ी आसानी से हो गया। परियो, इस तरल की मदद से अब कोई भी हमें रात में चमकता हुआ नहीं देख सकता। ज्वाला परी, जल्दी से ये तरल बालवीर को दे दो और कहो कि सारी परियों पर छिड़क दे। ध्वनि परी, इस बुरी शक्ति पर नजर रखना। लेकिन बाल परी, ये दुष्ट बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में हमें कुछ नहीं बता रहा। तुम अपनी कोशिश जारी रखो,
मैं और शौर्य मिलकर हमारी कोशिश जारी रखते हैं। अब हमें नए बालवीर के मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून जी, हमें हमारी बहन से अलग मत करिए ना। क्या है ना मेघा जी, कानून का काम तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो फिर जिराफ की गर्दन तो एकदम फिसल पट्टी जैसे होती है। वो रह सकती है, यह रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फाइनल बहन है ना, कोई और बहन तो नहीं? नहीं नहीं, बस इतनी बहन है। हाँ ठीक है, क्या बात है क्या बात है, छह-छह बहनों का एक भाई। तुम तो मोहल्ले के सुनील शेट्टी हो गए। चलता बहुत वक्त बर्बाद हो गया, अब जल्द से जल्द उत्तराधिकारी को ढूंढना पड़ेगा। बालवीर, शौर्य ने हमारे चमकने की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। ये लो जादुई तरल, अब इसे जल्दी से इन सब पे छिड़क दो, इससे पहले कि कोई इन्हें चमकता हुआ देख ले। कानू जी, ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर। हाँ देखता रहूं, लेकिन क्या देखूं? वो समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर अभी मैं आपको ऊपर भगवान जी दिखा रही थी। अच्छा। हाँ वो क्या है कि मैंने उनसे आपके लिए आशीर्वाद मांगा था। जो आशीर्वाद आपने ऊपर देखकर अभी ले लिया। अच्छा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए। धन्यवाद धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छी हैं। अरे हाँ, वैसे मैं बताना भूल गया, कल मोहल्ले में गरबा होगा। तो आप सभी बहनों के साथ अपने भाई के साथ सादर आमंत्रित हैं। हाँ। तुम ही नक्किया? हाँ हाँ। धन्यवाद। चलो। बालवीर, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर आपके उत्तराधिकारी को ढूंढना होगा। मैं कॉलोनी के आसपास देखती हूँ। ठीक है नेत्रपरी। कितना आसान होता है शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाना। ज्वाला परी, क्या भयमार ने मेरे उत्तराधिकारी के बारे में कुछ भी बताया? नहीं बालवीर, बहुत ही ढीठ है वो, कुछ भी नहीं बताया उसने। है, लेकिन ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा, अब वो खुद हमें सच तक ले जाएगा। आज इस तरह से लटकते हुए मुझे तो वो दिन याद आ गया जब मैं रेलिंग से लटका था। क्या रेलिंग से क्यों लटकता था तू? एक अजीब से अंकल थे, उन्होंने मुझे ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ धक्का मारा कि मैं उठता हुआ सीधा हवा में गया। पर भला हो मेरी अमेजिंग ताकत का, मैंने सुपर हीरो की तरह रेलिंग पकड़ा और मैं बच गया। तू भी ना विवान, किस किस से पंगा लेते रहता है। पर कुछ बात तो है मुझमें स्पेशल,
वरना कोई आम लड़का ऐसे रेलिंग थोड़ी पकड़ सकता है। और दीदी आप मेरे ये एडवेंचर्स के किस्से मम्मी को मत बताना। उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। कहाँ मिलेगा वो बालवीर का उत्तराधिकारी? इसकी शक्ल मुझे ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रही? हांडी थोड़े आगे एक चश्मे वाले की दुकान है, वहां से चश्मा ले लो, सब साफ साफ दिखेगा। नफरत है मुझे बच्चों से। मिला बालवीर, क्या कहा उसने? बहुत बढ़िया युक्ति दी है इस भयमार से सच उगलवाने की। सच क्या? अचानक क्या हुआ था? तुम लोग तो चमक रहे थे ना, फिर चमकोगे तो अब तुम भैमार। हमारा प्रस्ताव सुनकर दिमाग का कोना कोना चमक उठेगा तुम्हारा। कैसा प्रस्ताव? दोस्ती का। दिमनासा का साथ छोड़कर तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। परी लोग की परियां कब से काल लोग के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लग गई? जब से काल लोग के लोगों को बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में पता चला है तब से डर गई परियां और डर गया बालवीर। तुम हमें हमारे उत्तराधिकारी के बारे में बता दो और हम बदले में तुम्हें परलोक पे कोई बड़ी सी उपाधि दे देंगे। काल लोक का भयमार हूं मैं। जान भी चली गई ना तो काल लोक के साथ कत्तारी नहीं करूंगा। तुम्हारे उत्तराधिकारी की मौत तय है। छेड़ा जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो घी है ये स्विट्जरलैंड से ऑनलाइन मंगवाया है मैंने। 1,050 रुपए प्रति किलो। बड़ी श्रद्धा है मिश्रा जी आपकी। लो थोड़ी छोटी छोटी बनाता हूँ, जो घी बच जाएगा कल दिए से निकाल के दुकान में बेच दूंगा। अरे मिश्रा जी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग ये दिए ना एन वक्त पे जलाएंगे, माता की स्थापना के वक्त। हाँ हाँ, ये भी बच जाएगा। हाँ अरे मिश्रा जी, हाँ
अरे घी क्यों वेस्ट कर रहे हो आप दिए जला के? माता की स्थापना को अभी वक्त है, अभी तो काम है ना आपसे। अरे आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने दिए नहीं जलाए। तो क्या दिए अपने आप जल गए? अरे बहन जी, बहन जी, अभी आप जब यहाँ से गुजरी थी तब आपने देखा था ये माता के दिए जले हुए थे या बुझे हुए थे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने दिए नहीं जलाए, मगर आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे लेकिन ये स्विट्जरलैंड का घी है, बचाइए। कुछ नहीं रहा। बालवीर को बताना होगा कि बीमार भाग गया, पर बालवीर है कहाँ? आइए आइए भारत नगर के वासियों, आइए, मूर्ति स्थापना की शुभ घड़ी आ गई है। चाय में मूली डुबा के खाने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। नहीं नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आइए आइए आइए। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं पर है, नजर रखना। मतलब हमारी योजना सफल रही। अब वो भयमार खुद हमें पहुंचाएगा, मेरे उत्तराधिकारी तक। शौर्य, हमारी योजना काम कर गई। अब भयमार का पीछा करके हम पता लगा पाएंगे क्या आखिर कौन है मेरा उत्तराधिकारी और क्या चाल चली है भयमार ने। शाबाश बालवीर, तुम इसी तरह नीचे प्रयास करते रहो, तब तक हम भी परितारा को फिर से जागृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शौर्य, परितारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है, आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है। पर उन्हें बताना कि कभी तुम पानी के साथ बात करते हो तो कभी हवा के साथ तो कभी मक्खी के साथ। मेरे सलमान भाई कहते हैं पार्टनर कि यूं ही अकेले में बात करना कैन बी इंजरियस टू हेल्थ। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.